दोस्तों आज के समय 12,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़ोन देखने मिल जाते हैं जो कि आपको परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही एक अच्छा फ़ोन 12,000 रुपये के प्राइस रेंज में परचेस करने का सोच रहे हैं और कन्फ्यूज्ड है कि कौन सा फ़ोन को बाय किया जाए, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 7 ऐसे ही बेस्ट स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ जो इसी प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। फ़ोन को परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जो है कोई भी फ़ोन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखते रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ आप हमारे चैनल ADTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। सातवें नंबर पे आता है हॉनर 10 लाइट स्मार्टफोन, जिसके 3GB रैम 32GB रोम वाला वेरिएंट आपको 12,000 रुपये में मिलेगा। हॉनर 10 लाइट में आपको जो है ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ 6.2 इंच का फुल HD प्लस ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलता है, जिसपे आपको बेजल बहुत ही कम दिए गए हैं। 2.2GHz में ऑक्टाकोर हाई सिलिकन किरिन 710 का प्रोसेसर मिलता है एंड्रॉयड के 9.0 के साथ। 13+2 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरे का सेटअप मिलता है एपर्चर F1.8 के साथ। तो रियर कैमरे में आपको LED फ्लैश, PDF, HDR और AI फीचर मिलते हैं। 24 MP का AI फ्रंट कैमरा मिलता है फेस ब्यूटिफिकेशन मोड के साथ। 3400 mAh की बैटरी के साथ फ़ोन में आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। 6 नंबर पे आता है Realme U1 स्मार्टफोन, जिसके 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरियंट आपको 12,000 रुपीस में मिलेगा। Realme U1 में आपको जो है ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ 6.3 इंच का फुल HD प्लस नॉच डिस्प्ले मिलता है, जिसपे आपको बेजल बहुत ही कम दिए गए हैं। डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। 2.1GHz में ऑक्टाकोर मीडियाटेक का हेलियो P70 का चिपसेट मिलता है एंड्रॉयड के ऑरियो के साथ। 13+2 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको LED फ्लैश के साथ PDF पोर्ट्रेट मोड मिलते हैं। वही 25 MP का सोनी IMX576 सेंसर के साथ आपको इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसमें आपको कई सारे फीचर देखने मिलते हैं। 3500 mAh की बैटरी के साथ फोन में आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। 5th नंबर पे आता है Xiaomi का Redmi Note 6 Pro स्मार्टफोन, जिसके 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको 12,000 रुपीस में मिलेगा। Redmi Note 6 Pro में आपको जो है प्रीमियम मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन मिलता है, जिसमें आपको 6.26 इंच का फुल HD प्लस नॉच डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। 1.8GHz में ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर दिया गया है एंड्रॉयड के ऑरियो के साथ। फ़ोन में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 12+5 MP का ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है एपर्चर F1.9 के साथ। तो रियर कैमरे में आपको ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस AI फीचर मिलते हैं। वही 20+2 MP का AI बेस्ड फ्रंट कैमरा दिया गया है। 4000 mAh की बैटरी के साथ फ़ोन में आपको क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। 4th नंबर पे आता है Asus का Zenfone Max Pro M1, जिसके 6GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको 12,500 रुपये में, तो 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको 10,500 रुपये में मिलेगा। Asus Zenfone Max Pro M1 में आपको जो है प्रीमियम डिज़ाइन के साथ 6 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। 1.8GHz में ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर दिया गया है एंड्रॉयड के ऑरियो के साथ। फ़ोन में आपको डेडिकेटेड HD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। 16+5 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको PDF, HDR और AI फीचर मिलते हैं। वही 16 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें आपको सॉफ्ट LED फ्लैश के साथ फेस ब्यूटिफिकेशन मोड मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी के साथ फ़ोन में आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। 3rd नंबर पे आता है Xiaomi का Mi A2 स्मार्टफोन, जिसके 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको 12,000 रुपीस में मिलेगा। Xiaomi Mi A2 स्मार्टफोन में आपको प्रीमियम डिज़ाइन के साथ 6 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 2.2GHz में ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलता है एंड्रॉयड के ऑरियो के साथ। 12+20 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको AI बेस्ड कई सारे फीचर दिए गए हैं।
वही 20 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें आपको AI पोर्ट्रेट मोड और ब्यूटिफिकेशन मोड मिलते हैं। 3010 mAh की बैटरी के साथ आपको इसमें USB Type-C पोर्ट एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M2, जिसके 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरियंट आपको 12,000 रुपीज में मिलेगा। आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में आपको 3D ग्लास रेयर पैनल मिलता है, जिसमें आपको 6.26 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू नॉच डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। 2GHz में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलता है एंड्रॉयड के ओरियो के साथ, जिसमें आपको डेडिकेटेड HD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। 12+5 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है एपर्चर F1.8 के साथ, तो रियर कैमरे में आपको PDF, HDR, EIS मिलता है। 13 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसमें आपको सॉफ्ट LED फ्लैश के साथ फेस ब्यूटिफिकेशन मोड मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी के साथ फोन में आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोस्तों, मेरे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है Redmi Note 7 स्मार्टफोन, जिसके 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरियंट आपको 12,000 रुपीज में मिलेगा। Redmi Note 7 स्मार्टफोन में आपको ग्लॉसी ग्लास बैक पैनल मिलता है, जिसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डॉट नॉच डिस्प्ले दिया गया है, और आपको डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। 2.2GHz में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड 9.0 के साथ आता है। 12+2 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको LED फ्लैश के साथ PDF और AI के फीचर मिलते हैं। वही 13 MP का AI बेस्ड फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें आपको फेस ब्यूटिफिकेशन मोड दिए गए हैं। 4000 mAh की बैटरी के साथ फोन में आपको क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट, USB Type-C पोर्ट, फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो दोस्तों, मेरे लिस्ट के बताए हुए सभी 7 स्मार्टफोन आपको कैसे लगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन रहेगा तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन सभी स्मार्टफोन को परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कोई भी फ़ोन को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूले, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ADTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।